आप सभी जानते हैं कि अगर स्टूडेंट 95% से ऊपर नंबर पाना है तो उसे हर एक विषय में क्या होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया नंबर आना चाहिए। और मैं बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके परसेंटेज बढ़ाने में, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर 95% से ऊपर नंबर लाए और आप भी चाहते हैं कि हिंदी में 100 में 100 नंबर आए, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, चूंकि भी हिंदी में 100 में 100 नंबर मिलने वाला है, चूंकि आपके सामने आ गया है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए समान हिंदी का आ गया है। देख सकते हैं वायरल पेपर आपके सामने आ गया है। 302 OM क्या है, ये सेट का नाम है, और ये सेट क्या होगा, हर एक सेट में लड़ने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला है। तो अगर अच्छा 12वीं के छात्र और आपका भी सपना है भाई हिंदी में क्या करें, आप 100 में 100 नंबर पाए और आपका जो परसेंटेज है 95% से ऊपर नंबर आए, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं इसका फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल वायरल पेपर है, जैसा पेपर आपके सामने आने वाला है वैसा ही पेपर आपके सामने है। साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह का पेपर आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे पेपर का कोड देगा, और ये जो वायरल पेपर है हर एक पेपर में लड़ने वाला है। कुछ यहाँ पे आपको 2024 लिखेगा समान हिंदी, और यहाँ पे कक्षा आपको लिखेगा, यहाँ पे आपको समय देगा कि समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। आपको क्या करना है, 15 मिनट पेपर को पढ़ने में बिताना है, और यहाँ पे जो पेपर है क्या होगा, 2 खंडों में क्या होगा, विभाजित होगा, एक खंड क होगा एक खंड ख होगा, और सभी खंडों को करना अनिवार्य है। और यहाँ पे भी बता रहा है कि सभी प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए होंगे, तो याद करते हैं हम खंड क से, और देखिएगा जो खंड क होगा 10 नंबर का होगा, इस पे आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 10 प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि 5 प्रश्न क्या होंगे, हिंदी गद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे, जबकि 5 प्रश्न क्या होंगे, हिंदी पद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। और जो मैं पेपर आपको करा रहा हूँ बिल्कुल वायरल पेपर है, 3 प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना है। देखिए पहला का क का जो प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पहला आपको दिया गया विचार और वितर्क, दिया गया बिल्ले सूर बकरहा, और तीसरा आपको दिया गया साहित्य का मर्म, आपको चौथा दिया गया हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, विचार और वितर्क क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आपको याद रखना है। चलिए पहले प्रश्न का जो ख नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि सदल मिश्र की रचना है, आपको बताना है कि सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, दिया गया सत्याग्रह प्रवाह, दूसरा आपको ये तो ख्यान दिया गया है, और तीसरा आपको दिया गया भारत सौभाग्य, और चौथा दिया गया भूतनाथ। तो आप सबको याद रखना चाहिए कि सदल मिश्र की जो रचना है नासिक के दो प्रख्यान आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हैं आपको वायरल पेपर का ग नंबर का प्रश्न दिया गया है कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आपको बताना है कि ये जो रचना है किस विधा में लिखी गई है। पहला आपको लिखा गया आत्मकथा, दूसरा आपको लिखा गया है रेखा चित्र, तीसरा आपको लिखा गया है संस्मरण, और चौथा आपको लिखा गया कहानी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नीड का निर्माण फिर है ये क्या है, एक प्रकार की आत्मकथा है, तो ये आपका सही ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए घ नंबर का भी प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। घ नंबर का प्रश्न आपको वायरल पेपर का दिया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है, आपको बताना है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिया गया भारतेंदु हरिचंद्र, तीसरा आपको दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप सभी जानते होंगे, अगर क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है चिंतामणि। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे अंग नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि कलम का सिपाही के रचनाकार है, आपको बताना है कि ये जो रचना आपका है कलम का सिपाही, इसके रचनाकार कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र है, अमृत राय है, यशपाल है कि जैनेन्द्र कुमार है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कलम का सिपाही रचना है वो अमृत राय की रचना है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपको गद्य के इतिहास से क्या होगा 5 प्रश्न पूछा जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पे वायरल पेपर का प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार करके जाइएगा अगर आपको भी हिंदी में 100 में 100 नंबर पाना है। और इस पूरे पेपर को ध्यान से देखिएगा, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, और साथ ही साथ इसका PDF नोट भी आपको सेंड करूंगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे पास क्या है,
सभी विषयों का क्या है, 7-7 सेट क्या है, वायरल पेपर है। अगर रियली में आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% से ऊपर नंबर लाना है, तो आप हमारे सभी विषयों के 7 सेटों को जरूर सॉल्व करिएगा। यहाँ पे अभी पहला सेट मैं हिंदी का आपको करा रहा हूँ। वीडियो को प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो मैं हिंदी के वायरल पेपर का 7 सेट का वीडियो डाल दूंगा। और मेरे पास सभी विषयों के वायरल पेपर का सेट है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ नोट आपको कैसे मिलेगा। चलिए आपको कराते हैं अगला प्रश्न। आप लोगों ने क्या किया, पहले प्रश्न में आप लोगों ने 5 क्या किया, गद्य के इतिहास पे प्रश्नों को देखा। अब आपके पद्य के इतिहास पे प्रश्न पूछे आएंगे, तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपको क नंबर का दिया गया है कि भाई हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। आपको बताना है कि किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। दिया गया सबरप्पा, दूसरा दिया गया देवसेन, दिया गया सरहप्पा और चौथा दिया गया खुमार रासो। तो आप सभी जानते हैं कि सरहप्पा को ही हम लोग क्या करते हैं, हिंदी इतिहास का प्रथम कवि मानते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ख नंबर का प्रश्न दिया गया है कि नई कविता युग की रचना है। ऑप्शन दिया गया है यमा, दूसरा दिया गया है खुशबू के शिलालेख, तीसरा आपको दिया गया है प्रलय सृजन। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो रचना आप देख रहे हैं, दूसरा वाला खुशबू के शिलालेख, ये रचना है भवानी प्रसाद मिश्र का। तो यही रचना हमारा क्या है, नई कविता युग की रचना है, आपको याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं गौ नंबर का जो प्रश्न आपको दिया गया वायरल पेपर का प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 1954, दूसरा दिया गया 1943, तीसरा आपको दिया गया 1938 और चौथा आपको दिया गया है 1993 है, आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा 1943। 1943 में क्या किया गया था, तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था, आपको याद रखना है। वायरल पेपर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको अगला प्रश्न घ नंबर का प्रश्न दिया गया है वायरल पेपर का, देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है सरस्वती, दूसरा दिया गया है कल्पना, तीसरा आपको दिया गया है कवि वचन सुधा और चौथा दिया गया है ज्ञानोदय। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सही ऑप्शन आपको तीसरा वाला हो जाएगा, कवि वचन सुधा क्या किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित किया गया, आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं अंग नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आपको बताना है कि रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा सिंगारिकता, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको 10 प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इन 10 प्रश्नों को तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2024 में इजिली आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे 10 नंबर मिल सकता है, क्योंकि ये जो पहला दूसरा प्रश्न क्या होगा 5-5 नंबर का होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको हम कराते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम 2024 में, वो 10 अंक का प्रश्न होगा और इस प्रश्न में कहेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना, यानी आपको कुछ गद्यांश देगा और उन गद्यांशों के आधार पे आपको क्या करना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे 10 अंक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको हम गद्यांश दिखा देते हैं। गद्यांश दिया है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है समन्वय के। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको पहला लाइन दिखाई दे रहा है, चलिए अन्य लाइनों को आपको दिखा देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। और आपको ये पता होना चाहिए जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दो आपको गद्यांश देगा, तो पहला आपको दिखा देते हैं। देखिए आगे कुछ और लाइन दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से इस गद्यांश को पढ़िए। यहाँ पे देखिये आपको अथवा करके भी एक और गद्यांश देगा, आप लोग देख सकते हैं अथवा वाला भी आपको दिखाई दे रहा है कि कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुड़क्कड़ है। तो यहाँ पे आप चाहे तो पहला वाला कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा वाला कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना है। और यहाँ पे आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा और इन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा,
फिलहाल मैं आपको पहला वाला क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन करा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे 100% आपको सोल्यूशन कराऊंगा, तभी जाके आपको क्या होगा 100% नंबर मिलेगा। तो चलिए इन प्रश्नों का सोल्यूशन कराते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि भाई किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। आप देखिए आपको क्या करना है ना, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले क्या करना, आपको 3 नंबर डाल लेना है और आपको जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया उसका कुछ लाइन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग का लिखना है और कुछ लाइन आपको अंत का लिखना और बीच में आपको डैश डैश कर देना है और यहाँ पे उत्तर नंबर पहला आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखना है पाठ का शीर्षक, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पाठ का शीर्षक लिखिए, तो यहाँ पे पाठ का शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। और यहाँ पे पूछ रहा है लेखक का नाम, तो यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है लेखक का नाम। लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो इसके लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो सिंपली क्या करना है, पहले प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे लिख लेना है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके सामने आएगा, तो इन प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए, तो भी उत्तर आपको बता देते हैं। प्रश्नों का उत्तर आप दिया गया गद्यांश के आधार पर दे सकते हैं। देख सकते हैं आपको उत्तर दिया गया है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध लेना चाहिए। तो यही क्या है इसका उत्तर है, किसी से लेके लेनी हो तक लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चूंकि इसी को पढ़ के आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वही चीजें यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, उत्तर डाल लेना है दूसरा, और आपको लिखना है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी को भी पिछड़ी अवस्था में छोड़कर कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। तो आप चाहें तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं या आप जो गद्यांश में लाइन है उसको भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न पूछा हुआ है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रेखांकित अंश सबसे पहले दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे रेखांकित भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो रेखांकित भाग आपका है पृथ्वी के विशाल प्रांगण से लेकर और यहाँ पे एक जैसा अधिकार है तक का हमारा क्या है, रेखांकित है। और सिंपली क्या करना, इसी का मतलब व्याख्या आपको करना है, तो इन पंक्तियों को पढ़ना और अपनी भाषा में लिखना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि लिखना कैसे है। आपको यहाँ पे उत्तर नंबर 3 लिख लेना है और यहाँ पे आपको एक हेडिंग बना लेना है रेखांकित अंशों की व्याख्या, और यहाँ पे आपको लिखना है कि संसार के समस्त प्राणियों को प्रगति एवं उन्नति करने के लिए मातृभूमि समान अवसर प्रदान करती है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको लाइन दिखाई दे रहा है रेखांकित, इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो मातृभूमि है सबको क्या करती है, समान अवसर प्रदान करती है तथा इसकी समन्वय की भावना ही राष्ट्र की उन्नति च प्रगति का आधार होती है। यही क्या है इसका व्याख्या है। तो बस सिंपली क्या करना, इन पंक्तियों को पढ़ना है और आसानी से क्या कर सकता है, आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वायरल पेपर का चौथा प्रश्न क्या है। लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करेंगे, यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन आपको चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यानी जितने भी लोग हैं सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा तभी भी क्या होगा, कोई राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं या आपको मैं इसका उत्तर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको बना लेना उत्तर नंबर 4 और इसका उत्तर लिखना है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए क्योंकि किसी एक अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो गद्यांश में से भी लिख सकते हैं या आप में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रश्न पूछा गया है, उसका भी आपको उत्तर बता देते हैं। ये पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समन्वय के मार्ग में क्या प्राप्त हो सकता है। आपको बताना है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका उत्तर आपको दिया गया है, तो आप चाहे तो गद्यांश में से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। तो उत्तर नंबर 5 बना लेना और यहाँ पे लिखना है कि समन्वय से ही आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, संबंधित व्यवसायिक उपक्रम का सफल संचालन संभव होता है। तो आप चाहे तो अपने भाषा में लिखिए, नहीं तो जो आपको यहाँ पे गद्यांश में दिया गया उसको लिखना है। तो अगर इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग ऐसे लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो प्रश्नों को भी लिख देंगे तो आपको 10 नंबर यानी यहाँ पे 100 में से 20 नंबर आपको मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आपके सामने आने वाला है। क्या करना है, अथवा वाले का आपको गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम मुझे क्या करना है
कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो गद्यांश लिया गया अथवा वाला, उसके लेखक कौन है और पाठ का क्या नाम है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप चलिए बताते हैं कि प्रश्न नंबर चार क्या आएगा आपके सामने। आपके सामने प्रश्न नंबर चार जो आएगा उसको ध्यान से देखना, ये भी 10 अंक का प्रश्न आपका होगा। इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको अथवा करके देगा। जैसे देख सकते हैं ये पद्यांश दिया गया है और यहाँ पे अथवा के भी एक और दिया हुआ है, तो सभी लोग अथवा वाला भी देख लीजिए और यहाँ तीनों को भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं पहला वाला का सोल्यूशन आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा गया है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से औ न भेजा संदेशा रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये हमारा क्या है पद्यांश है। आधार पे हमें क्या करना है 5 प्रश्नों का उत्तर देना। अगर हम इन 5 प्रश्नों का उत्तर देते तो हमें 10 नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, तो चलिए इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। प्रश्न आपको क्या करना है बोर्ड पेपर में आपको डाल देना उत्तर नंबर 4। यहाँ पे कुछ लाइनों को लिख देना है, ठीक है ना, शुरू के और प्रारंभ के कुछ लाइनों को लिखना है और यहाँ पे लिखना उत्तर नंबर पहला। तो यहाँ पे देखिए उत्तर आपका हो जाएगा कि राधा पवन को दूतिका बनाकर भिजवाती, यानी पवन के द्वारा क्या करती हैं, यानी हवा के द्वारा क्या करती हैं, ये संदेश भिजवाती हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आपको दूसरा प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। आपको बताना है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो देखिए गद्यांश को आप पढ़ के गद्यांश के आधार पे उत्तर दे सकते हैं, लेकिन पद्यांश के आधार पे आप सेम टू सेम आंसर नहीं लिख सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा पद्यांश को पढ़ के अपने भाषा में लिखना पड़ता है। गद्यांश में तो आप उसमें से छांट के लिख लेंगे, लेकिन पद्यांश में आपको क्या करना पड़ता है अपने भाषा में लिखना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। आपको बना लेना है उत्तर नंबर 2 और यहाँ पे आपको लिखना है कि राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले एवं मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यार प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में क्या है व्याकुल है। यही क्या है श्री कृष्ण के सौंदर्य की व्याख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो चलिए आपको सबसे पहले रेखांकित अंश दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 पंक्तियां क्या किया गया है यहाँ पे, मतलब अंडरलाइन किया गया है रेखांकित किया गया है। तो इसी को क्या करना है व्याख्या करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे व्याख्या बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर बना लेना है, उत्तर नंबर 3 लिखना है और यहाँ पे लिखना है रेखांकित अंशों की व्याख्या और यहाँ पे लिखना है कि राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान जल से भरे श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से न ही वे मधुबन लौटकर आए न ही कोई संदेशा भेजा। तो यही इसका क्या हो जाएगा व्याख्या हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको चलिए दिखाते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। ये प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना था और यहाँ पे राधा के मनोदशा का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप लोग सभी जान रहे हैं कि राधा क्या है बहुत ही दुखी है। तो चलिए इसका भी उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको उत्तर डाल लेना है 4 नंबर और आपको लिखना है गमन के पश्चात कृष्ण के द्वारा अपनी सुधि न लेने के कारण राधा का प्रेम बिहल मन व्याकुल हो उठा है, बहुत ही क्या है दुखी है, उनके याद में क्या है बहुत ही ये क्या है बेचैन है। तो यहाँ पे इस चीजों को क्या करना है सिंपली आपको लिख देना है। और यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न है लास्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पे आपको इसका उत्तर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पद्यांश का जो नाम होगा पवन दूतिका होगा और यहाँ पे कवि का जो नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिख लेना है, इसका चाहते हो तो ले सकते हैं। लेकिन तो बता दूं कि बिल्कुल फ्री में मैं क्या करूंगा सभी विषयों के 7 सेटों का वायरल पेपर का मैं आपको पीडीएफ नोट भेज दूंगा। इसके लिए आपको ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल पे ना होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आपको अथवा वाला दिया है तो आप चाहें तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, कोई एक करना है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको 2 प्रश्न दिखाई दे रहा है, 3 और प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। आपको 3 और प्रश्न दिखाई दे रहा है तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम मुझे क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो अथवा वाला है इसके कवि कौन है और इसका शीर्षक क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5 नंबर का जो प्रश्न होगा इसमें क आएगा और ख आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या करना आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेंगे अगर किसी लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ जो आपको तैयार कर रहा है
पंडित जी अब्दुल कलाम का जीवन पर्ची आपको तैयार करना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार करना है और हरिशंकर परसाई का आपको तैयार करना है। यही वायरल पेपर में पूछा गया है, तो बिल्कुल इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। तो तीन लेखक का आपको नाम देगा, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए आपको उनकी कृतियों के साथ क्या करना, 80 शब्दों में लगभग क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे ख वाला में भी देख सकते हैं, 5 नंबर आपको मिलेगा, तो किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। पेपर का जो इम्पोर्टेंट आपके कवि है आपको तैयार करना है, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का आपको तैयार करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी 6 लेखक और कवियों में से कितने लोग आपको तैयार है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे चलिए आपको दिखाते हैं 6 नंबर का प्रश्न। देखिएगा जो 6 नंबर का प्रश्न होगा ये आपका क्या होगा, 5 अंक का होगा। यहाँ पे 80 शब्दों में क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। तो प्रश्न आपसे सेम टू सेम पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखना है, सारांश मैंने आपने शब्दों में लिखना है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे अथवा करके दिया है कि ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको लिखिए, चाहे तो इसको लिखिए, यहाँ पे 80 शब्दों में लगभग लिखना है। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 दिखाते हैं कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि स्वपतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग जिलों में क्या होता है, अलग अलग खंड काव्य चलता है। जैसे अगर मैं अपने जिले की बात करूं तो मैं बिलोंग करता हूं कुशीनगर जिले से, और मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है आपको मैं बता देता हूं। देखिए आपको खंडकाव्य में 2 प्रश्न देगा, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे खंडकाव्य है, अलग अलग जिलों में क्या होता है, अलग अलग खंडकाव्य चलता है। जैसे किसी जिले में त्यागपति चलता है, किसी में श्रवण कुमार चलता है, कहीं पे रश्मि रथी चलता है, कहीं पे मुक्ति दूत चलता है, कहीं पे सत्य की जीत चलता है, और यहाँ पे कहीं पे आलोक वृत्त चलता है। तो आप लोग अपने जिले का नाम और आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको बता देता हूं कि मैं बिलोंग करता हूं कुशीनगर जिले से और मेरे जिलों में चलता है रश्मि रथी। मेरे जिले में क्या चलता है, रश्मि रथी चलता है। आपके जिले में क्या चलता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे विशेष तौर पे नायक का चरित्र चित्रण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहला जो प्रश्न यही लगभग पूछता है कि नायक का क्या करना, आपको चरित्र चित्रण करना है। तो अथवा करके एक और प्रश्न देगा, तो किसी एक का क्या करना आपको उत्तर लिखना है। तो कम से कम जो भी आपका खंडकाव्य है उसके नायक का चरित्र चित्रण आपको जरूर पता होना चाहिए, इसको आप लोग तैयार करिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दिखाते हैं अगला प्रश्न। देखिए अभी तक आपने खंड क देखा है, अब आपके सामने आएगा खंड ख, और खंड ख में 8 नंबर का जो क नंबर का प्रश्न होगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रश्न देगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यानी आपको कुछ संस्कृत का गद्यांश देगा और क्या करना है, इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेगा और हिंदी अनुवाद पे 5 नंबर, यानी कुल मिला जुला के 7 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 2 आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश दिखाई दे रहा है वायरल पेपर का। तो आपको पहला दिया गया है और यहाँ पे दूसरा दिया गया है, तो आप किसी एक का क्या कर सकते हैं, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं पहला वाला करा देता हूँ, पहला वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, उत्तर डालना है 8 का क, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, कुछ लाइन लिख लेना है शुरू का और कुछ लाइन लिख लेना है लास्ट का, और यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। आपको संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया, तो यही इसका संदर्भ हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगला हेडिंग आपको बनाना है हिंदी में अनुवाद, और हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है ये भी देख लीजिएगा। आपको लिखना है कि संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद में ललित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है, ठीक है ना। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसा कोई और नहीं करता है, ठीक है ना। आगे आपको लिखना है कि संस्कृत साहित्य के मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। तो यही क्या है, इसका हिंदी में अनुवाद है। आप चाहे तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। एक मैंने डेमो आपको दिखा दिया ताकि आपको
पता चल जाए कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे पेपर में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इस लाइन को जरूर लिखेगा, शुरू का और लास्ट का लाइन को जरूर लिखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि भाई 8 का ख नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या आएगा। प्रश्न आपको अथवा वाला भी दिया था तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि भाई दूसरा वाला किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए आपको दिखाते हैं 8वां का जो ख नंबर का प्रश्न आएगा ये भी क्या होगा, 7 नंबर का प्रश्न होगा। यहाँ पे आपको 2 श्लोक देगा, किस एक श्लोक का क्या करना है आपको, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे पद्यांश दिया था ना संस्कृत का, उसी प्रकार आपको संस्कृत का श्लोक देगा जिसको पद्यांश कहेंगे। तो याद है पहला वाला का 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, 2 लाइन और है, और अथवा में भी एक दिया है तो किसी एक को आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आपको दोनों दिखा देते हैं, उसके बाद से कोई एक करके आपको दिखा देते हैं। अथवा में भी आपको दिया है तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक करके हम दिखा देते हैं। आपको स्क्रीन पे पहला वाला दिखाई दे रहा है तो पहला वाला का मैं सोल्यूशन आपको करा देता हूं। तो यहाँ पे उत्तर डाल देना है 8 का ख, और यहाँ पे शुरू का कुछ लाइन और अंत का कुछ लाइन आपको लिख लेना है। यहाँ पे हेडिंग बनाना है संदर्भ। संदर्भ देखिए कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हम पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से चाहे नामक पाठ से लिया गया है, आपका संदर्भ हो जाएगा। हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है, हिंदी अनुवाद, और आपको लिखना है कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रीति प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती, जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही क्या होता है, द्रवित होता है। तो यही इसका हिंदी अर्थ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे हिंदी में अनुवाद करना है। अगर इतना लिख देते हैं तो इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ से आपको क्या होगा 7 नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि 9 नंबर का प्रश्न क्या आएगा। आप इसमें आप देख सकते हैं अथवा में भी दिया है, तो इसका भी मुझे क्या करेगा, आप लोग संदर्भ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो 9 नंबर का प्रश्न होगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा आपको प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। आपको 4 प्रश्न पूछेगा, किसी 2 का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और स्क्रीन पे मैं कोशिश करूंगा कि किसी 2 प्रश्न का उत्तर आपको मैं लगा दूं। इसके माध्यम से आप लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन 4 प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करेगा क्योंकि वायरल पेपर का प्रश्न आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 10 नंबर का जो प्रश्न होगा व्याकरण से पूछा जाएगा। 10 नंबर का पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, ये 2 नंबर का प्रश्न होगा, ये भी 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का होगा। प्रश्न पूछेगा कि विभस अथवा भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद पूछेगा कि उपमा तथा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर पूछेगा रोला अथवा चौपाई का लक्षण उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रस से प्रश्न पूछेगा, एक आप अलंकार से और एक छंद से प्रश्न पूछेगा। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, वायरल पेपर का प्रश्न है तो इनको जरूर तैयार कीजिए क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट जो 11 नंबर का प्रश्न होगा ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न कहेगा कि तुम से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस टॉपिक पे क्या करना है, आपको निबंध तैयार करना है। मैं बता दूं कि जो निबंध आएगा आपको 9 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन देगा, किसी एक पे निबंध लिखना है। जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष आपको बताना है, दूरदर्शन की उपयोगिता आपको तैयार करना है, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना इसको तैयार करना है, वर्तमान समय में समाचार पत्रों का महत्व, तो इन निबंधों को जरूर तैयार करेगा। इनके अलावा आप लोग बताइएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है। यहाँ पे 12 नंबर का जो प्रश्न होगा ये बहुविकल्पी प्रश्न होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। यहाँ पे प्रश्न आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे प्रश्न पहला जो पूछ रहा है एक एक नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वधु स्व का संद विच्छेद आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे सभी को याद रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपको पहला हो जाएगा, वधु प्लस उस्व आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि स्वागत का संद विच्छेद आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, सु प्लस आगतम। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से आपसे संधि पे आधारित प्रश्नों को पूछेगा बहुविकल्पी। जैसे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नायक का संधि विच्छेद आपको बताना है कि भाई नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, नय प्लस अकह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर कहीं भी हमसे मिस्टेक हुआ होगा तो मैं जरूर बताएगा। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न होगा ख नंबर का, ये भी बहुविकल्पी आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है समास पे आधारित प्रश्न, ये संधि पे आधारित प्रश्न था, आपको याद रखना है 12 का ख वाला संधि पे आधारित आएगा और 12 का ख वाला समास पे आधारित
जाएगा। जैसे पूछ रहा है कि नीलांबुज में समास है दिया गया बहुव्रीही समास, चलिए आपको तीन और ऑप्शन दिखाते हैं। तीन और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कर्मधार है, अव्ययी भाव और द्विगु समास आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं बता दूं कि नीलांबुज शब्द में जो आपका समास होगा यहाँ पे कर्मधार होगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया कि दशानना में समास है, आपको बताना है कि दशानना में कौन सा समास है, द्वंद है, द्विगु है, कर्मधार है कि बहुव्रीही है। तो आप सभी जानते हैं कि दशानना में क्या है हमारा, बहुव्रीही समास है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का प्रश्न होगा इसमें प्रत्यय से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे क वाला पूछ रहा है कि गत में प्रत्यय है, तो आपको मैं बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है कि दुष्टवा में प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो दुष्टवा शब्द है इसमें क्या होगा, कत्वा प्रत्यय होगा, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 13 का जो ख नंबर का प्रश्न होगा, ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा उनसे संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी आपको तैयार करना है, इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर का प्रश्न होगा, 8 नंबर का यहाँ पे आपको पत्र लेखन दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे पत्र लेखन दिया गया, तो इसको जरूर तैयार करना है। तो ऐसा ही पेपर आपके सामने आने वाला है, कुल आपके पास 14 प्रश्न आएंगे और यहाँ पे पूर्णांक आपका 100 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में हिंदी का कैसा पेपर आएगा और आपको किस तरह से तैयारी करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो पे प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, तो 6 और मैं क्या करूंगा, वायरल मॉडल पेपर करा दूंगा और 6 को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको हिंदी में 100 में 100 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे पास हर एक विषय का 7-7 सेट वायरल पेपर है, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे संपर्क करेंगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।